पानी में रेमनजन, आज हम बात करेंगे एक छोटी कंपनी के बारे में जिसने 25% फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि 2.5 रुपये के करीब होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 35 रुपीज़ के करीब है, और ये कंपनी है IDFC लिमिटेड। तो इनका IDFC बैंक भी है, उसका भी लिस्टिंग अलग से है। तो इनका अगर आप देखेंगे तो एक साल का चार्ट तो एकदम बॉटम एक बनाया इस स्टॉक ने, उसके बाद थोड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये स्टॉक्स ये और IDFC बैंक लेकर छोड़ सकते हैं, लेकिन लंबा नज़रिया आपको रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको लेना है तो मेरे हिसाब से जो बॉटम बना है उसी के करीब अगर आप लेते हैं तो फिर जो है 10-15-20% इजिली इस स्टॉक के अंदर भी कमाया जा सकता है। तो इसके अंदर अगर आप न्यूज़ देखेंगे, धर्मेश मेहता अलॉन्ग विद इन्वेस्टर्स टू एक्वायर IDFC सिक्योरिटीज़, तो ये भी एक न्यूज़ थी जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग में भी है तो ये उसे ख़रीदने वाले हैं। और इसका अगर आप देखेंगे स्टॉक 35.65 के ऊपर चल रहा था और इसका हाई 52 वीक का 48.40 है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये स्टॉक भी बढ़ेगा जैसे इनके रेवेन्यूज़ ग्रो होंगे। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 5,600 करोड़ का कंपनी है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, लेकिन एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देते आई है और इस बार भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। तो ये आप देख सकते हैं 7.5% का कंपनी ने डिविडेंड दिया था, उससे पहले 2.5%, उससे पहले 26%, और अब फिर अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है जो कि 25% के करीब होता है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर के अंदर 42 करोड़ का टोटल सेल्स था, नेट प्रॉफिट 25 करोड़ जो कि काफ़ी अच्छा है, और मार्च क्वार्टर में माइनस में था, दिसंबर में भी अच्छा खासा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनके रेवेन्यूज़ ग्रो होंगे, प्रॉफिट ग्रो होंगे, उस लिहाज से जो फिर ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगी और हो सकता है आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स भी देखने को मिले। तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखा दूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके अगर आपके पास स्टॉक है तो। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है और 2.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि 25% होता है फेस वैल्यू पे, और रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखा है 30th September 2019। तो इससे एक दो दिन पहले मीन्स फ्राइडे को एक्स डेट होगा, और उससे पहले आपको स्टॉक लेने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल रहना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 30 सितंबर तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, भले आप उसके बाद सेल करें तो भी आप एलिजिबल रह सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।